नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी के पकोड़े। भिंडी के पकोड़े जो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। देखिए दोस्तों, ना आपने कभी खाए होंगे, कि आप इसे एक बार देखिए और बनाकर जरूर खाइए। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ लिए है 4 से 5 भिंडी। आप देख सकते हैं ये एकदम फ्रेश भिंडी है। हमने इसे धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसमें हम मसाले में यूज़ करेंगे नमक, थोड़ा अजवाइन, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर। और पकोड़े के लिए हम यूज़ करेंगे 2 चम्मच मैदा पाउडर, चावल का आटा। पहले हम भिंडी को इस प्रकार से कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे साफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं, हम इस बड़ी भिंडी है तो हम इसके 2 भाग करके इसमें इस तरह से चीरी लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सभी भिंडियों के पीस तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे भिंडी के पीस कट करके रख लिए हैं। आप देख सकते हैं, सब हमने मीडियम साइज के किए हैं। अब हम इसका घोल तैयार करेंगे। ये 2 चम्मच आटा है मैदे का। 2 चम्मच मैदे में हम 2 चम्मच चावल का आटा मिक्स करेंगे। हम यहाँ बेसन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम मैदे और चावल के आटे से ये बनाएंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा स्वाद, अच्छे से स्वाद के लिए अजवाइन और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाइट कलर के लिए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे पानी डालकर घोल तैयार करेंगे इसका। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है हमें। आप देखेंगे कि इस तरह से हमने घोल बनाकर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। हमें ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है इसका। ये देखिए, इस तरह का हमने घोल बनाया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। ये हमने कट की है, इसमें हम थोड़ा सा अंदर से मामूली सा नमक और मिर्ची इस तरह से लगाएंगे, ताकि इसके अंदर थोड़ा स्वाद आ सके अंदर से। इस तरह से हम सभी में थोड़ा थोड़ा हल्का सा मिर्च पाउडर और नमक लगा देंगे स्वाद के लिए। इससे क्या होगा, हमारी जो पकोड़े रहेंगे इसके अंदर भी, भिंडी में भी अच्छा स्वाद आएगा। इस तरह से हमने सभी भिंडी में मसाला लगा लिया है। अब हम कढ़ाई गर्म करेंगे। देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इस तरह से इस घोल में भिंडी को भिगोएंगे। आप देख सकते हैं, भिंडी को भिगो ली और इस तरह से गरम तेल में डाल दिया है। इसी तरह से हम एक एक करके सभी भिंडी के टुकड़े जो हमने मसाला लगाकर तैयार किए हैं उसको इसमें डालेंगे। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा इसे चम्मच से भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें थोड़े थोड़े पीस इसमें फ्राई करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पकोड़े कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। हमने इसे हल्के ही आंच पर, हमें इसे पलटाना नहीं है, हमें इसे एक ही साथ पलटाना है। ये देखिए, एक एक करके हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और जो हमारे बाकी है, जो हमारी भिंडी बाकी है, इसे भी हम इसी तरह से अच्छे गरम कड़कड़ित ऑयल में हमें इसे भूनना है। ये देखिए, हम ऊपर से भी थोड़ा सा मसाला लगा देंगे।
अब देखिए दोस्तों किस तरह से हो चुके हैं। अब हम इसे पलटा लेंगे। ये भी हमारे हो चुके हैं, हम इसे भी निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारे भिंडी के भजिए भिंडी के पकोड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने लाजवाब लग रहे हैं। मैं आपको एक तोड़कर बताऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे लचीले हो गए हैं ये। ये देखिए वाह, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे दोस्तों। आप भी एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए।